मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये देखिए सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं उरकबु मुहम्मदन फी अहली बैती के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हम एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह की अहले बैत की ताजीम की जाए। हुजूर का ख्याल करो अहले बैत के मामले में। इसीलिए देखें एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला को इमाम हसन को अपने कंधे पे बिठा के, सिद्दीक अकबर का हसन मुस्तफा से क्या खूनी रिश्ता था? कोई खूनी रिश्ता नहीं था। न चचा लगते थे खूनी तौर पर, न ताया लगते थे खूनी तौर पर, न दादा लगते थे खूनी तौर पर, न नाना लगते थे खूनी तौर पर। हजरत इमाम हसन का खूनी शजरा अलग है, सिद्दीक अकबर का खूनी शजरा अलग है, लेकिन अल्लाह अकबर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरी कौम के जवानों आपको अंदाजा होना चाहिए, जिस अल्लाह अकबर किसी की सहाबियत मुहक्किकीन की तहकीक से साबित है, किसी की सहाबियत सहाबा के अकवाल से साबित है, किसी की सहाबियत हदीस मुस्तफा से साबित है। एक तन्हा रसूलुल्लाह का सहाबी ऐसा है कि जिसकी सहाबियत कुरान मुकद्दस से साबित है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन एडरिया शरीफ। सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आजम को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है, छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमतुज़्ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि कयामत के दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मर्तबा हजरत सय्यदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मेरे मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब,
तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत ना हुई, जब बेटे को इजाजत ना हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम अली मकाम से हुई तो फरमाया, शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था। तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी, इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, हुसैन वो अब्दुल्ला और है और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना मामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला सरजमीन डडिया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम अली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम अली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर कयामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। इमाम शाफई कहते हैं जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूलल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगु आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगु सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिर्मिजी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में रहेंगे। उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लमीन अल्लामा नकी अली खान
अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा ना हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके खड़े हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनको पीछे करके तुम आगे ना जाना, उनको पीछे करके तुम आगे ना जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, कयामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता के जब आयतें दुरूद नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। जब ये आयतें दुरूद नाज़िल हुई तो सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम दुरूद कैसे पढ़े, तो मेरे आका ने फरमाया मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। काफिर या रसूल कैसे पढ़े, तो सरकार फरमाते हैं ये न कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, ये न कहो बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। यानी जब मुझ पे दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह हू अकबर। आप उठा करके देखें अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, हत्ता के ये आयतें मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा और सवाल किया जाएगा। तो इब्ने हजर अस्कलानी अपनी की इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा। इब्ने हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं अल्लाह हू अकबर कि जब नमाज रोजे हज ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था, ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये अपने बुजुर्गों के अकवाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी सन 60 हिजरी का तूफान आएगा, और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नत रसूल बदली जाएगी, अदल इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी। उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुख्सत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे, हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुख्सत की देती है, लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा, उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो
जो उठ के खड़ा होगा वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालार गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिर कलियर की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इंकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाह अकबर, लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दाता अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह कयामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाह अकबर दीन का हिमायती बन करके उठेगा अकेला तने तनहा, वो भी खानदान नबूवत का चश्मो चराग खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत अहले बैत अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो किसी की भी